हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा स्वागत है गाइस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आईफोन 13 का कंप्लीट रिव्यू करेंगे 17.4.1 के नई लेटेस्ट अपडेट में। ये जो अपडेट है आईफोन 13 पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, एप्लीकेशंस क्रैश तो नहीं हो रही हैं, साथ में बैटरी हेल्थ और बैटरी बैकअप आपको कैसा रिसीव होगा अगर आप अपने आईफोन 13 को इस नए लेटेस्ट अपडेट पे अपडेट करते हो, और साथ में बात करेंगे हीटिंग की और नेटवर्क्स की। साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कंप्लीट रिव्यू इस अपडेट के बारे में आईफोन 13 सीरीज़ के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं गाइज आज के इस वीडियो को। सो गाइज, यहाँ पर आप अपडेट का साइज़ चेक कर सकते हो जो मेरे को देखने को मिला है अपने आईफोन के ऊपर, 377.5 मेगाबाइट्स। तो अगर आपके पास भी है आईफोन 13 तो आपके पास भी यहाँ पर सेम साइज़ आपको देखने को मिलने वाला है अपने डिवाइस के ऊपर। तो यहाँ पर बात करते हैं कुछ नए फीचर्स की। तो नए फीचर्स एप्पल ने यहाँ पर ऐड नहीं करे हैं इस अपडेट में, बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट बग्स जो हैं वो फिक्स करे गए हैं और सिक्योरिटी अपडेट्स जो हैं वो पुश करे गए हैं आपके डिवाइस के लिए, जिनमें कि वाईफाई, ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप और साथ में बैटरी से रिलेटेड कुछ मेजर बग्स जो थे वो पुराने अपडेट में काफ़ी यूज़र्स को फेस हो रहे थे, उनको फिक्स करा गया है। तो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस डिवाइस की परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस वाइज ये डिवाइस काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है, कोई भी आपको क्रैशिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलने वाले हैं अपनी एप्लीकेशंस में। कैमरा की एप्लीकेशन भी काफ़ी परफेक्टली काम कर रही है, जैसे आप अपनी एप्लीकेशंस के ऊपर टैप करते हो उसी टाइम के ऊपर ये आपकी एप्लीकेशंस को ओपन कर देता है आपका आईफोन 13। तो गाइज, यहाँ पर कोई भी क्रैशिंग इश्यूज़ नहीं है, एप्लीकेशंस में कोई भी लैग्स आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, बिल्कुल परफेक्टली परफॉर्मेंस काम कर रही है इस डिवाइस की इस नए लेटेस्ट अपडेट में। सेकेंडली, यहाँ पर बात आती है इस डिवाइस में नेटवर्क्स कैसे काम कर रहे हैं, कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो वाईफाई में भी काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलने वाली है, फुल सिग्नल्स आपको देखने को मिलेंगे और साथ में जो सिम कार्ड के सिग्नल्स हैं वो भी आपको तकरीबन फुल ही देखने को मिलते हैं। अभी आपको यहाँ पर दो देखने को मिल रहे हैं सिग्नल्स अपने डिवाइस में, तो करंटली ये कई कबार दो सिग्नल शो करता है, कई कबार मेरे को यहाँ पर फुल सिग्नल्स भी शो करता है। तो कॉलिंग एक्सपीरियंस भी काफ़ी बढ़िया चल रहा है आईफोन 13 के ऊपर। साथ में अब हम बात करते हैं बैटरी हेल्थ के बारे में, बैटरी बैकअप के बारे में। बैटरी हेल्थ हो रखी है 93%, 1% पुराने वाले अपडेट में कम हो चुकी थी, बट इस अपडेट में कोई भी बैटरी हेल्थ में ड्रॉप मेरे को देखने को नहीं मिला है। तो गाइस, अगर आपके केस में आईफोन 13 के ऊपर बैटरी हेल्थ ड्रॉप हुई है तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो गाइस, यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी इम्प्रूव करा गया है, क्योंकि बैटरी से रिलेटेड कुछ बग्स जो थे वो फिक्स करे गए हैं। तो यहाँ पर रात के टाइम पे भी आईफोन 13 अपनी बैटरी को काफ़ी बढ़िया तरीके से स्टेबल करके रखता है, जहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। जब आप अपने डिवाइस को डे टू डे रूटीन में यूज़ करते हो तब तो थोड़ी बहुत बैटरी लूज़ होती ही है, क्योंकि ये रिचार्जेबल बैटरी है आईफोन की, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा बहुत बैटरी ड्रेन तो देखने को मिलता ही रहता है, बट जो मेजर है वो कोई भी इशू नहीं है बैटरी से रिलेटेड। बैटरी ड्रेन का इशू आपको इतना नहीं देखने को मिलने वाला है। अगर आपके पास काफ़ी कम बैटरी हेल्थ वाला डिवाइस है तो उस टाइम के ऊपर आपको इतना बढ़िया बैटरी बैकअप नहीं रिसीव होगा, जितना कि कम से कम 95 या 90 के आसपास का बैटरी हेल्थ आपको बढ़िया बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। तो गाइस, यहाँ पर अब हम बात करते हैं इस डिवाइस की हीटिंग के बारे में। हीटिंग इशू आपको इस डिवाइस पे बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है। हीटिंग इशू कब देखने को मिलता है? हीटिंग इशू जो है वो हमें तब देखने को मिलता है जब हम अपने डिवाइस को डायरेक्शन लाइट में उसके कैमरास को हाई क्वालिटी के ऊपर सेट करके वीडियोस को शूट करते हैं तकरीबन 15-10 मिनट तक, उस टाइम के ऊपर आपका डिवाइस काफ़ी हीट होता है। सेकेंडली, जब आप गेमिंग करते हो, चार्जिंग के टाइम अपने डिवाइस को यूज़ करते रहते हो और काफ़ी मोटे केस यूज़ करते हो, उन टाइम्स के ऊपर आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा हीट करता है। इसलिए इन सभी चीज़ों को अवॉइड करोगे तो आपका डिवाइस कभी भी हीट नहीं करेगा। मेरे को अभी तक भी इस डिवाइस पे हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला है जब से मैंने इसे बाय करा है। तो गाइज, ओवरऑल जो इस अपडेट का रिव्यू है आईफोन 13 के ऊपर वो काफ़ी बढ़िया है, बैटरी बैकअप भी बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी बढ़िया चल रही है, नेटवर्क्स भी काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई भी बग्स नहीं है। अब इस वाले अपडेट में आप बिना किसी प्रॉब्लम के अपडेट कर सकते हो आईफोन 13 को इस नए लेटेस्ट अपडेट पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग,